नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। दोस्तों, त्योहारों का मौसम चल रहा है, ऐसे में देवी देवताओं को प्रसन्न करने का सही समय होता है। ऐसे में ही धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी कुछ आसान से उपाय, जिन्हें अपनाकर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकेंगे। पहला उपाय, लक्ष्मी कृपया प्राप्त करने के लिए दिवाली के दिन बिना किसी को बताए गुप्त रूप से एक दिन पहले बाजार से 3 झाड़ू खरीद कर लाएं और घर के आसपास किसी भी मंदिर में तीनों झाड़ू को रखाएं। इस उपाय से आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी और धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। ये काम आपको सूर्यास्त के समय करना है और ये दान आपको गुप्त रखना है। दूसरा उपाय, धनवान बनने के लिए आप ये उपाय भी कर सकते हैं। दिवाली के दिन एक नई झाड़ू लाएं और इसी से घर में साफ सफाई करें। तीसरा उपाय, दिवाली के दिन आप ये उपाय भी कर सकते हैं। घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें। नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाने पर फर्श के सूक्ष्म कीटाणु नष्ट होंगे, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। घर का वातावरण पवित्र होगा और जिन घरों में पवित्रता रहती है वहां मां लक्ष्मी का आगमन होता है। चौथा उपाय, दिवाली की रात को अपने घर की झाड़ू को दरवाजे के सामने रखें और झाड़ू को लेटाकर रखें, खड़ा करके नहीं। पांचवा उपाय, दिवाली के दिन अपनी झाड़ू को सफाई आदि होने के बाद घर में कहीं छिपा कर रख दें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ बड़े तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं होती। झाड़ू से जुड़े ये आसान से उपाय करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि झाड़ू के अंदर मां लक्ष्मी का वास होता है। अपनी समस्या और परेशानी को आज ही दूर करें चमत्कारी समाधान के टोटके और उपायों से। और चमत्कारी समाधान की बाकी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल चमत्कारी समाधान को आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।